around 0.3 million. My dream camera, Sony A7 III. Assalamu alaikum. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. आज बहुत अरसे बाद वीडियो बना रहा हूँ, कोई अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ कैमरे की. उससे पहले आपको बताना चाहूँ कि इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी स्ट्रगल रही वीडियोस बनाते रहे, और अभी जाके हम प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर. यकम नवंबर से काम करना स्टार्ट करेगा, जिसका नाम बोल्ड स्ट्रीम प्रोडक्शन है. इस बिज़नेस में सईद वज़ीर अली शाह भाई हमारे साथ होंगे. तो अभी पहली बार जो सोनी A7 III हमने लिया है, 4K कैमरा है, मिररलेस प्रोडक्शन हाउस है. तो एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो हमने कहा कि सोनी A7 III लेते हैं, क्योंकि इसमें मिररलेस और ई माउंट लेंसेस कनेक्ट होते हैं. देखते हैं बॉक्स में क्या है. ये डब्बा है इसका, और ये इतने सारे मैनुअल, बहुत ज़्यादा हैं. ये 1, 2, 3 और ये पंपलेट. इसके साथ सबसे पहले A7 III का स्ट्रिप आता है इसके साथ, और जहाँ भी जाते हैं अगर इसको लटकाना चाहें तो आप किसी भी आसानी से इसको कैरी ऑन कर सकते हैं. ये स्ट्रिप आ गया इसका. उसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3 3 यहाँ पे केबल दिए गए. ये केबल जो है ये 3 स्विच वाला है, जो कि मोस्टली यूरोप में इस्तेमाल होता है, और ये वाला जो है ये ऑस्ट्रेलियन समथिंग, और ये हमारा पाकिस्तानी इंडियन जो कि हम यूज़ करते हैं मोस्टली. तो ये 3 हो गए इसके केबल. 1 अच्छा, ये इसका बैटरी है, ओरिजिनल बैटरी, और ये है इन्फोलिथियम है Z100, और ये इसका चार्जर है जो कि केबल के साथ इसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं. और ये इसका ये केबल आ गया इसका. अभी जो है हम जाएंगे मेन चीज़ की तरफ, माई ड्रीम कैमरा सोनी A7 III. ये सिर्फ ये जो बॉडी है ये बस अराउंड 0.3 मिलियन, और ये इसका जो है ये फ्लिप आउट नहीं है इसका स्क्रीन, और ये टिल्ट वाला है. ये जो इसका स्क्रीन है ये टच है, लेकिन कुछ जगहों पे टचेस हैं और कुछ जगहों में नहीं है. और ये होता है टिल्ट होता है लेकिन फ्लिप नहीं होता, जिस तरह कैनन के कैमराज होते हैं इसी तरह नहीं होता. तो ये भी अच्छा है मोस्टली जब इसी कैमरे से आप व्लॉगिंग जो है A65, A64 ये सीरीज से करते हैं, क्योंकि इनका टिल्ट अप प्रॉपरली जो है स्क्रीन ऊपर निकलता है 65 का, तो वो व्लॉगिंग के लिए बेस्ट कैमरा है. ये जो है कॉरपोरेट्स काम होते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, 4K में अगर वीडियो चाहिए मिररलेस कैमरा, तो ये सोनी A7 III उनके लिए बेस्ट है. मोस्टली इनसे होती है, इससे भी जो है आप व्लॉगिंग कर सकते हैं, व्लॉगिंग के लिए अच्छा है, लेकिन मोस्टली जो है ये कॉरपोरेट के लिए. ये चीज़ें कुछ आवाज़ करती हैं, लेकिन जब स्ट्रिप लगाएंगे कोशिश करेंगे कि ये निकाल के दूसरा कोई हम यहाँ पे अल्टरनेटिव वो लगा दें. और जहाँ से हमने लिया है, अगर आप लेना चाहें S सीरीज़, जितने भी सोनी के कैमराज डील करते हैं इस्लामाबाद टेक के नाम से, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक उनका दे दूँगा. आप जाके उनसे कैमरा अगर लेना चाहें सोनी के ले सकते हैं, मुख्तलिफ दूसरे ब्रांड्स के भी ले सकते हैं. वहाँ से जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो कैमराज मिलते हैं उनमें आपको तकरीबन 10,000 के करीब जो है यहाँ आपको सस्ता मिलेगा. तो आप जाके मेरा रेफरेंस दे के कैमरा ले सकते हैं वहाँ से. अच्छा, ये हो गया सोनी A7 III. तो इसके साथ मैनुअल जितने भी हैं, जूम इन जूम आउट ऑन ऑफ, और ये C3 है, C1 है और C2 है, और यहाँ पे C4 है जो कि इनके कुछ शॉर्टकट्स की हैं. उसके साथ ये 4K में भी शूट करता है, और रेशियो जो है 3.2 होता है मोस्टली इसका, और 16.2 4K में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और स्लो मोशन के 120 FPS में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इनसे. तो ये हो गया हमारा. तो इसके साथ जो मैंने लिया है 2 प्राइम लेंस, और वो प्राइम लेंसेस क्या है, एक है इसका सिग्मा का 16mm f/1.4 DCDR. इसके साथ मैंने लिया है जो कि इंटरव्यूज़ और कुछ
पिक्चर्स के लिए भी। तो इसका बेस्ट रहता है इसका EFE माउंट है, 50mm का ये लेंस है, ये भी प्राइम लेंस है, इसका जूम लेंस नहीं है, और ये 1.8 इसका ऑटो फोकस लेंस है। तो इसका भी हम रिव्यू करेंगे। तो ये दो लेंसेस हैं, तो हमारे फर्स्ट परचेज कंप्लीट हो गई है। अच्छा, लाइट लिए हैं हमने जो कि हमारे सामने लगा हुआ है ब्राइटनेस के लिए और उस चीज़ के लिए, और ये हमने लिया है V863 जो है गोडॉक्स का मार्क टू फ्लैश है। इसका बैटरी ऑटो रिचार्जेबल है और इसमें कोई बैटरीज नहीं रहती, और ये हमारा जो है जितने भी फोटोग्राफी होंगे वो इससे होंगे, इस फ्लैश से होंगे, फ्लैश लगा के। और इसके लिए हमारे पास जो पोर्ट्रेट लेंस है वो भी लेने हैं। और इसके बाद जो है ये दो लेंसेज के रिव्यूज़ जो हैं ये नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको मिलेंगे। उसके साथ रोनिन एस वो भी हम ले रहे हैं, उसका भी रिव्यू आपके सामने करेंगे, और DJI मेविक जूम है उसका भी रिव्यू हम देंगे आपके सामने। और अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बॉल स्ट्रीम प्रोडक्शन के चैनल को जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।